हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग। और अभी जस्ट मतलब तब और अभी मैं जैसे सो के उठी हूँ। सो के क्या, मैं मतलब 5 ही बजे उठ गई थी। बाबू परेशान कर देता है यार वो ना, नींद नींद पूरी। सॉरी, नींद पूरी हो ही नहीं पाती है। वो उठ जाता है, वो तो अपनी नींद पूरी कर लेते हैं और फिर उसके बाद उठ जाते हैं। तो उठने के बाद उनको चाहिए घुम्मा, मम्मा घुम्मा, पापा घुम्मा। मेरे आँख में आंसू, मुझे पूरा मतलब भरपूर आँख में नींद है। अगर मुझे मिल जाता ना तो मैं 1 घंटा चैन की नींद सोती, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। तो वो घुमा घुमा करके रो रहे थे, तो उनको हस्बैंड नीचे टहलाने ले गए और उन्होंने मुझसे बोला कि चलो आज मंदिर चलते हैं, क्योंकि मंडे को बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। आज ज़्यादा भीड़ नहीं रहेगी, आज संडे है, तो चलो यहाँ पे पटना मंदिर है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है शंकर भगवान की, भोले बाबा की। तो चलिए तैयार हो जाते हैं और फिर आपको मिलते हैं मंदिर में। बाबू बाबू देखो, हाय करो। जस्ट अभी आया है मंदिर से। मंदिर से आने के बाद पता नहीं क्यों मेरे पैर में 2-3 दिन से दर्द हो रहा है, तो मुझे ना लगता है टाइफाइड होने वाला है। जब भी मुझे टाइफाइड होता है तो मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा ही मतलब, ये जो देख रहे हैं ना यहाँ से, ये इतने दूर से और ये पूरा मतलब इतना दर्द होता है कि मैं बता नहीं सकती कितना दर्द होता है। तो मैं सोच रही थी कि बाहर से कुछ मंगवा लेती हूँ खाने के लिए, लेकिन हस्बैंड के जिद की वजह से मुझे करना पड़ रहा है। और पूरी रात मैं जगी भी थी, मतलब पूरी रात क्या, मैं मतलब 1 बजे तक जगी थी। 10 बजे, 10:30 बजे बाबू सोया, वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। फिर उसके बाद 11:30 बजे से मैंने 12 बजे तक एडिटिंग की, फिर उसके बाद तब जाके मैं सोई। मतलब आधी रात मैं जगी भी और सुबह में मैं लेट उठी और मंदिर भी गई, तो मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़। जिस चक्कर में मैं गई थी कि मतलब कल मंडे हो जाएगा तो कल बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, आज संडे है तो आज ज़्यादा भीड़ नहीं रहेगी, चलो दर्शन कर लेते हैं, तो जिस चक्कर में गए मतलब ना वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी कि बता नहीं सकते, लंबी लाइन लगी थी। फिर वहाँ के आने के बाद मैंने चाय वाय पिया और जस्ट बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, मन कह रहा है बस सो जाऊँ, लेकिन हस्बैंड ने बोला नहीं नहीं बना दो, और उनको पकौड़े की सब्जी खानी है, तो मैंने कहा मैं कल बना दूँगी। तो कहे भूख आज लग गई है और बनाओगे कल, तो मैंने कहा ठीक है, उनकी भी ज़िद पूरी कर देती हूँ। हस्बैंड उनकी भी कहना मान लेती हूँ, बना ही देती हूँ, क्योंकि वो भी हमारे मतलब हमारे लिए तो सब कुछ करते हैं ना, तो मैं इतना तो दुख उठा ही सकती हूँ। लेकिन सच बताऊँ मेरा बिल्कुल भी करने का मन नहीं है, ज़बरदस्ती करवा रहे हैं। और मैंने सोचा था थोड़ा सा मंगा लेती हूँ बाहर से। और बाबू देखो सो गया है पीछे, ये खेलते खेलते वो सो गया है, तो मैं चलो बना लेती हूँ जल्दी से, चलती हूँ। पहले मैं अपने बाल को बांध लेती हूँ और मैं ना अपना वो जो हेयर बैंड होता है मैं कहाँ रख के भूल गई हूँ, मैं उसे ढूंढ रही हूँ। एक्चुअली ना मेरा जितना भी मैं लेके आती हूँ ना, बाबू सारा फेंक देता है, कभी टीन पे फेंक देगा, कभी बाहर फेंक देगा, मतलब वो रहने ही नहीं देता है। तो मैं वही ढूंढ रही हूँ, तो वो है चेयर पे पड़ा है, खेलते खेलते वो चेयर पे रख दिया है। तो मैं ये बाल को बांध लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको किचन में। तो देखिएगा मैं कैसे पकोड़े की सब्जी बनाती हूँ। और हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मुझे झुकना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा झुकना पड़ रहा है, मैं ऐसे सीधा कर लेती हूँ। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दिया करिए और लाइक कर दिया करिए, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ यार लाइक कर दिया करिए और सब्सक्राइब कर दिया करिए, सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दिया करिए। और अगर मुझ में कुछ कमी या कुछ मतलब नहीं पसंद है जो आपको, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता दिया करिए।
ये मैंने अपना जूड़ा बना लिया है। अगर कभी ऐसे ही बनाओ तो जूड़ा कितना अच्छा बन जाता है। तो चलते हैं। सच बताऊँ बिल्कुल भी मन नहीं कह रहा। देखिए सारा चीज फैला हुआ मेरा ना, बिल्कुल मतलब मन नहीं कह रहा है। ये होता है ना, अगर मायके भी रहो, अगर माँ रहती है तो आपका मन नहीं कह, मम्मा मन नहीं कह रहे आप कर लो, तो मम्मा बेचारी कर देती है। यहाँ पे कोई करने वाला नहीं है, यहाँ पे खुद आप ही करो, अपना ही करना है, जो भी करना है। गिर पड़ रहा है तो मैं वो ले लूँ स्टैंड, फिर मैं करती हूँ आपसे बातें। पीछे कपड़ा भी रखा है मुझे, उसको तय। तो जैसा कि मैंने अपने बालों का बन बना लिया है, और यहाँ पे मैं प्याज को कट कर रही हूँ, तो ये मैं प्याज के छोटे छोटे टुकड़े काट लूँगी, और क्योंकि इसमें प्याज पड़ेगा, पकौड़े में भी प्याज डाल। तो यहाँ पे नीचे जो आंटी झाड़ू पोछा लगाती हैं, जैसे कि जो हॉस्पिटल है नीचे, तो वहाँ पे आंटी झाड़ू पोछा लगाती हैं, तो वो कह रही थी बेटा यहाँ पे लल्ली बोलते हैं प्यार से, तो बोली लल्ली आज तुम नीचे क्यों नहीं आई, दिखी नहीं। तो मैं उनसे यही बता रही कि आंटी आज मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा नीचे ऊपर नहीं किया, मैं बैठी हूँ। और उन्हीं से बस बातें हो रही हैं, और वो बहुत अच्छी हैं। जब उनको टाइम मिलता है ना, जब वो फ्री होती हैं ना, तो मेरे पास आ जाती हैं, तो थोड़ा सा मेरा भी मन बहल जाता है, क्योंकि यार मैं भी अकेले और बोर हो जाती हूँ, तो थोड़ा सा वो आती है ना, तो उनसे बात करके अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो मुझे सब्जी बनानी थी पकौड़ी की, तो वो मैं पकौड़ा बनाने की तैयारी कर रही हूँ, मतलब बना के तैयार कर रही हूँ। तो इसमें मैंने बेसन लिया है, हल्दी लिया है, और नमक डालूँगी बस, और प्याज मैंने डाल ही दिया है, और इसका मैं अब पकौड़ा। जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि अभी ये मैं पकोड़े को तल के निकाल ले रही, और ये हो चुका है। अब मैं सीख चुकी है, और मैंने ज़्यादा नहीं बनाया है, मतलब ज़्यादा पकोड़े नहीं बनाया है, तो बस इतना ही मैंने बना दिया है, और ये सीख चुकी है, तो अब मैं इसे निकाल लूँगी। थोड़ी सी और सीखना बाकी है। मंदिर से आने के बाद इतनी बारिश हुई कि पूछिए मत, मैं बता भी नहीं सकती कितनी बारिश हुई। और अच्छा हुआ कि हम लोग घर पे पहुंच गए थे तब जाके बारिश हुई, नहीं तो बारिश नुकसान कर देती। चावल आगे दिया था, चावल खत्म हो चुका था, तो हम लोग जैसे कि 4-5 किलो इकट्ठा मंगा लेते हैं, लेकिन आज मैंने इतना ही मंगा लिया, शायद ये 1 किलो है, पता नहीं, शायद 1 किलो ही लग रहा है, 1 ही किलो मंगा लिया है, बाद में मैं इकट्ठा मंगा लूँगी। तो और हाँ पता है, मैं मंदिर से जैसे ही निकली बाहर, वहाँ पे मतलब घर पे आ गई, देखिए ये गर्म हो चुका है, तो अब मैं इसमें ये मेथी दाना डाल दूँगी, और मैंने यहाँ पे मैंने प्याज अदरक ये सारी चीजों का पेस्ट बनाया था, मैं हाथ का ही यूज कर रही हूँ यहाँ पे। अब
पे ये प्याज देखिए भून रही है, तो जैसे ही ये भून मतलब हो जाएगी तो मैंने इसके जल्दी होने के लिए इसमें नमक डाल दिया है। नमक इसलिए मैं डालती हूँ क्योंकि इससे जो है कि प्याज भी जल्दी हो जाती है और हमारी गैस की भी बचत होती है, तो दोनों काम लगे हाथ हो जाता है। और ये देखिए हो चुका है, तो अब मैं इसमें धनिया पाउडर डालूंगी और हल्दी पाउडर डालूंगी और लाल मिर्च पाउडर डालूंगी और गरम मसाला मैं बाद में जब ये हो जाएगा तो डालूंगी। तो ये देखिए हो ही चुका है और अब मैं ना इसे अच्छे से भून लिया है। तो अब मैं इसमें जो मैंने टमाटर को ना छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में काट लिख के रख लिया था, तो इसमें अब मैं टमाटर डाल लूँगी। और जैसे ही टमाटर भून जाता है तो उसमें मैं ये जो कढ़ाई थी, कढ़ाई में जो थोड़े से बेसन लगे हुए थे मैं उसको उसमें डाल दूंगी और थोड़े से और मिक्स करके चुटकी भर ये डाल दूंगी ना, इससे जो है ग्रेवी का टेस्ट भी अच्छा आता है और थोड़ी गाढ़ी भी हो जाती है। तो ऐसे ही मैं बनाती हूँ। ये देखिए तैयार हो गया है, तो अब मैं इसको इसमें डाल देती हूँ। और इसकी आंच में गैस की अब तेज कर देती हूँ। और जैसे कि अभी ये होने में इसको टाइम लगेगा बॉईल आने में, तो मैं यहाँ पे बैठ के चावल को भी साफ कर लेती हूँ। तो जितना मुझे चावल डालना है मैं उतना ले रही और फिर मैं इसे साफ कर लेती हूँ, क्योंकि वैसे इसमें कुछ है नहीं, फिर भी मैं देख लेती हूँ कुछ ना रहे, क्योंकि कभी कभार ऐसा हो जाता है ना, उसमें कुछ रहते ही हैं, कभी कीड़े छोटे वाले या फिर कुछ कंकड़ पत्थर तो निकल ही जाते हैं। तो उसमें जैसे ही बॉईल आ गया तो मैंने उसमें पकौड़ी डाल दी, और उसको डालने के बाद थोड़ी देर के लिए मैं इसे ढक दूँगी। ढक के जैसे ही 10 मिनट तक मैं ऐसे छोड़ दूँगी, और उसमें बॉईल आ गया है तो अभी देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। तो मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल देती हूँ, इससे गरम मसाले का ना स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। अब यहाँ से मैं सारे सामान को हटा लेती हूँ, यहाँ जो बिखरे पड़े बर्तन को हटा लेती हूँ और सभी सामान को यहाँ से हटा के किचन के पास रख देती हूँ। मैं सो गई थी, सोने के बाद अभी अभी उठी हूँ और ऐसा लग रहा है ना कि मेरी तबीयत ख़राब होगी, ज़्यादा ख़राब होगी। अंदर से अजीब सा फील आ रहा है और पैर में बहुत ज़्यादा दर्द है, और मैं कल ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाऊँगी। अभी मैं जा रही चाय बनाने, और चाय बनाने के चाय बना के जा रही पीने, तो चलो मैं चाय बना लेती हूँ। और फेस से भी लग रहा है कि मेरी तबीयत, तो यहाँ पे मैं ग्रीन टी लेके बैठ गई हूँ। और यहाँ पे मैं बाहर देख रही ना, तो बाहर जैसे कि रोड चलता रहता है तो सब आते जाते हैं, और थोड़ा अकेले रहो ना तो यहाँ पे देखने से मूड भी फ्रेश रहता है और अच्छा लगता है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक था मेरा। तो अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा।